सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पिंडरी में सारंगढ़ पुलिस ने 6 जुआरियों को ताश के 52 पत्तियों और नकदी के साथ पकड़ा है। प्रधान आरक्षक बालकृष्ण डनसेना ने बताया, लगातार मुखबिर से सूचना मिल रही थी, जिस पर थाना प्रभारी एके खान के निर्देशन से ग्राम पिंडरी के शासकीय प्राथमिक शाला भवन के अंदर पुलिस द्वारा दबिश दिया गया, जहां से 6 जुआरियों प्रकाश महिला ने, नंद कुमार महिला ने, राम कुमार महिला ने, चंद्र विजय बांजरे, रंजीत निराला, केदारनाथ खूंटे को ताश के 52 पत्ती के साथ 2500 नकदी बरामद किया गया है, जिस पर जुआ एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 सार्वजनिक धृत अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आ रहा है सर, कार्रवाई कब की गई है सर और कितने लोग पकड़ा है? 6 लोग पकड़ा है। नाम उनके? नाम है प्रकाश महिला ने, पिता रमेश्वर महिला ने, 42 वर्ष दिल्ली के हैं, नंद कुमार रूपसाई महिला ने, उम्र 30 वर्ष दिल्ली, राम कुमार पितकना भोपाल महिला ने, 35 वर्ष दिल्ली, 41 वर्ष। टोटल कितने लोग हैं सर? टोटल जो है 6 हैं। और ये भी बात सामने आ रही है सर कि मोटर बाइक भी वहां से जब्त किया गया है? नहीं, मोटर बाइक नहीं। वहां कितना पैसा मिला सर? वहां लगभग 2500। तो किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है सर? 13 जुआ एक्ट। जमानती है कि गैर जमानती सर? जमानती धारा। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रामकुमार थुरिया की रिपोर्ट, रायगढ़ छत्तीसगढ़। फरवरी सन 2015 को रमन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आरएसएस की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आज की कलेक्टर एसपी विभागीय सचिवों की अति महत्वपूर्ण बैठक में कम से कम 7 ऐसे अधिकारी उपस्थित हैं जो आरएसएस की गतिविधियों में खुलकर भाग लेते हैं। राज्य शासन द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता स्वयं उसी विचारधारा से जुड़े हैं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, अगर आप तत्काल इस अधिसूचना को निरस्त नहीं करते हैं और आरएसएस में भाग लेने वाले अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करते हैं, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि वास्तव में अब छत्तीसगढ़ में गांधी का नहीं, गोडसे का राज है। जय छत्तीसगढ़। साथियों, 23 फरवरी 2015 को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को आरएसएस नामक तथाकथित सांस्कृतिक संस्था की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करी थी। भूपेश बघेल जी की सरकार को बने 5 महीने हो गए, उसके बावजूद 23 फरवरी 2015 की इस अधिसूचना को खारिज नहीं किया गया है। आज जब मुख्यमंत्री कलेक्टरों की और एसपीओ की बैठक ले रहे हैं, उच्च अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, उसमें 7 ऐसे अधिकारी हैं जो आरएसएस की गतिविधियों में ओपनली खुलकर भाग लेते हैं। अभी अभी आरएसएस की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को, सतीश चंद वर्मा जी को, महाधिवक्ता बनाया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि आप अगर कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं तो इस अधिसूचना को तत्काल निरस्त करिए और जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए, जितने भी आरएसएस में भाग लेने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको बर्खास्त करिए और यह प्रमाणित करिए कि छत्तीसगढ़ में गांधी का राज चल रहा है, गोडसे का नहीं। टीवी1 इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। गत दिनों सूरत में हुए आगजनी मामले के बाद राजनांदगांव प्रशासन ने भी जिले में चल रहे कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, दुकान एवं अन्य ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा हो, उस जगह का निरीक्षण किया गया और जहां खामियां पाई गई वहां नोटिस जारी किया गया। ऐसा एक नोटिस विशाल शॉपिंग मॉल को दिया गया था, जिसके बाद भी विशाल शॉपिंग मॉल द्वारा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के बाद नगर निगम प्रशासन को शिकायत मिली थी कि विशाल शॉपिंग मॉल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, गर्मी की वजह से लोग हलाकान हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर निगम प्रशासन द्वारा विशाल शॉपिंग मॉल को सील करने गए थे, जहां लंबी बहस के बाद तालाबंदी की कार्रवाई की गई। वहीं नगर निगम अधिकारी यूके रामटेके का कहना है कि विशाल शॉपिंग मॉल की शिकायत मिली थी कि यहां पर सुविधाएं नहीं है, लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए शॉपिंग मॉल को सील किया गया है। तो उसको अंडरटेकिंग लेने की बात कर रहे हैं, तो लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी ना, अंडरटेकिंग के लिए लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। अब हमको नहीं मालूम, मालिक ये है कि ये जो अंडरटेकिंग लेने को तैयार है उसको अंडरटेकिंग देंगे। उसका मैनेजर तो उपलब्ध होगा ना? मैनेजर नहीं आया ना, मैनेजर भी आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।
भाजपा नेत्री समीरा पैकरा आज अपने समर्थकों के साथ गौरेला थाने पहुंचकर पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की 420 के मामले में गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं समीरा पैकरा की माने तो पुलिस अगर जल्द अमित की कार्रवाई नहीं करती तो वह थाने में धरने पर बैठेंगे। वहीं गौरेला पुलिस मामले में जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। दरअसल पूरा मामला 3 फरवरी 2019 का है, जब भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने गौरेला थाने पहुंचकर अमित जोगी के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। समीरा के अनुसार अमित जोगी ने 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरने के दौरान झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अपना जन्म स्थान 1978 सारबहरा बतलाया था, जबकि अमित का जन्म 1900 उसमें उन्होंने डलास टेक्सास अमेरिका में होने की बात कही थी। मामले में समीरा की शिकायत पर गौरेला पुलिस ने अमित जोगी के खिलाफ 3 फरवरी 2019 को धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत किया था, पर आज तक उसमें कार्रवाई नहीं की गई। वहीं समीरा की माने तो अगर पुलिस मामले में अमित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो वह थाने में धरना देंगी। वहीं पुलिस की माने तो मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने आए हैं आप लोग, क्या मामला है? पुलिस गौरेला आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्या लगता है कोई रसूख के दबाव में? अमित जोगी के ऊपर FIR हुई थी 3/2019 को, मैं खुद गौरेला थाने में FIR कराई थी, और जिस FIR में 420 का मामला दर्ज हुआ था, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसके पहले भी मैं बोली थी कि अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं धरने में बैठूंगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा लगता है कि प्रशासन पुलिस कोई दबाव में है? प्रशासन के दबाव की वजह से ही आज तक उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए वो एक्स सीएम के बेटे हैं, उनके पिताजी स्वयं मरवाही के विधायक हैं। इस दबाव की वजह से आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि अब कार्रवाई नहीं होगी इसके बाद कहाँ जाएंगे? यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं यही गौरेला थाने में धरने में बैठूंगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मेरे को विश्वास है। कार्रवाई नहीं करी गौरेला पुलिस? नहीं, कार्रवाई FIR हो चुकी है, गिरफ्तारी का प्रयास भरपूर जारी है, हाल भी पता ही नहीं बढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स दबाव भी नहीं, इसमें निष्पक्ष FIR हुआ है, किसी के दबाव में नहीं है। परसों ही उन्होंने मरवाही थाने के सामने प्रदर्शन किया, पुलिस भी मौजूद थी, आप बोल रहे हैं मिल नहीं है, गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है, कैसा प्रयास है? प्रयास किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों भी इसमें रुचि ले रहे हैं। अमित अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट में लिख रहा है कि मैं घर में हूँ, आओ मेरे को गिरफ्तार करो, उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इसकी भी जांच तह तक की जाएगी और की जा रही है, बहुत जल्द गिरफ्तार की जाएगी। अधिकारियों से किस प्रकार का मार्गदर्शन? नहीं, अधिकारियों का पूरी सपोर्ट है उसकी गिरफ्तारी के लिए, कोई ऐसा भेदभाव या हस्तक्षेप नहीं है किसी, निष्पक्ष से उसमें कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी होगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, पेंड्रा। विशेष सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने एक आदेश दिया है। इस आदेश में अभिषेक पिता डॉक्टर रमन सिंह, नरेश डालकिया पूर्व महापौर राजनंदगांव और मधुसूदन यादव पूर्व सांसद राजनंदगांव के नाम है। कुल 20 अभियुक्तों में अभिषेक सिंह पूर्व सांसद का नाम 18वें नंबर पर है। विधानसभा चुनाव से पहले राजीव भवन में कांग्रेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राज्य में मंत्री नेता और चिटफंड कंपनियों ने मिलकर लूटा है, राज्य में सरकार बदली तो PLCL कंपनी बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर निवेशकों के रुपयों को लौटाने की कोशिश में लगा दिख रहा है। ताजा फैसले के मुताबिक अदालत ने धारा 156 पर संगीता सोनी अभियुक्ता को सुना और परिशीलन के बाद यह पाया कि अनमोल इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस भायंदर वेस्ट थाने में है। इस कंपनी की छत्तीसगढ़ में कई शाखा ऑफिस है। कंपनी के डायरेक्टर कोर समिति के सदस्य तथा अन्य स्टार प्रचारकों ने निवेशकों को यह भरोसा दिलाया कि यह कंपनी सही है और सुरक्षित है। अदालत ने यह पाया कि सेबी के अपीलेट ट्रिब्यूनल तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी को बंद करने के आदेश उपरांत भी राज्य के अधिकारीगण जो शासन के पदों पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है और अनमोल इंडिया कंपनी को क्लीन चिट दी। निवेशक ने जिले के SP समेत जिम्मेदारों से गुहार लगाई, लेकिन चूंकि कंपनी में CM पुत्र अभिषेक सिंह, सांसद और पूर्व महापौर जैसे लोग शामिल थे, इसलिए पुलिस ने FIR तक नहीं लिखी। निवेशक ने 10,000 निवेश किया था। माननीय अदालत ने आवेदक की ओर से अधिवक्ता संगीता सोनी को सुना और परिशीलन में पाया कि छल पूर्वक निवेश कराया गया, जो धारा 10 छत्तीसगढ़ निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 सा पठित धारा 3-4-6 पुरस्कार चिट्स और धन परिचालन योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 1978 धारा 3-4 अर्थ शोधन निवारण 2002 एवं सा पठित धारा 420 406 467 468 471 120 384 IPC के तहत दंडनीय अपराध है।
परिशीलन में विशेष न्यायाधीश बीपी वर्मा ने यह भी कहा है कि पर्याप्त आधार होकर भी अन्वेषण की आवश्यकता प्रकट होती है। प्रकरण में समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना लुंड्रा अन्वेषण करके अंतिम प्रतिवेदन पेश करे। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार के कार्यकाल में समूचे प्रदेश के हर जिलों ब्लॉकों ग्रामीण क्षेत्रों में चिटफंड कंपनियों ने प्रदेश की भोली भाली जनता को दिन दहाड़े खूब लूटा। लोग लूटते गए, प्रशासन लंबे समय तक कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। जब कंपनियों ने निवेशकों को पूरा निचोड़ लिया और लूटने के लिए कुछ बचा नहीं, तब कहीं राजनांदगांव में कार्रवाई की गई थी। सरकार और प्रशासन का सहयोग इस हद तक था कि बकायदा उन फर्जी चिटफंड कंपनी व नॉन बैंकिंग कंपनियों को सरकार ने रोजगार मेलों में निमंत्रण देकर उन फर्जी कंपनियों का स्टॉल भी लगवाया। राजनांदगांव के कौरन भाटा स्थित ग्रीन हाइट्स बिल्डिंग में संचालित एक सनसाइन नाम की फर्जी कंपनी का बाकायदा उद्घाटन समारोह भी अंबिकापुर कोर्ट मामले में आरोपी बनाए गए राजनांदगांव के एक जनप्रतिनिधि के मुख्य अतिथि में हुआ था। यालको, साई प्रसाद, सुख साई जैसे अनेक कंपनियों ने राजनांदगांव में ही समूचे प्रदेश को कंगाल किया और आज भी अनेकों फर्जी कंपनियों अपने नए नए अंदाज में लूट रही हैं। अंबिकापुर का मामला चाहे आगे न्यायालय में कितने दिनों तक टिकता है ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा, पर गरीबों के आंसू बड़े बड़े सूरमाओं को भी जमी दोज कर देते हैं। टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घुमका से लगे ग्राम गोपालपुर में विगत 10 सालों से अनमोल कंपनी के नाम पर चल रही शीतल पेय पदार्थ बनाने की फैक्ट्री में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए जांच सैंपल की रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री को बंद कर दिया है। लंबे अरसे बाद प्रशासन की इस कार्रवाई से आमजनों ने राहत की सांस ली है। यहां उल्लेखनीय है कि अनमोल पेय पदार्थ के नाम पर 10 साल से गोपालपुर के एक किराए के मकान में नकली पेय पदार्थ बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, जिसकी शिकायत होने पर छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में कई गड़बड़ियों के साथ अमानक स्तर के पेय पदार्थ पाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है और तब तक के लिए फैक्ट्री को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जांच दल में नायब तहसीलदार राजू, खाद्य सुरक्षा विभाग के नेमीचंद पटेल पटवारी एवं अन्य अधिकारी दल में शामिल थे। जिस फैक्ट्री में नकली पेय पदार्थ बनाए जाने की शिकायत ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे, उस फैक्ट्री को केवल उमरिया बॉर्डरिंग अनमोल सोडा नाम से अनुमति मिली थी, जबकि यहाँ पर नामी गिरामी कंपनियों के भी पेय पदार्थ बनाए जा रहे थे। मुंगली मतलब कमरधा मुंगली ना, कब से काम कर रहे हो यहाँ? फरवरी से। और किस नाम से बनाते हो इसको? कैसे मतलब किस नाम से, मतलब क्या नाम से है इसका, आपका प्रोडक्ट किस नाम से है? टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।